भाई जरूरत नहीं तेरी, जा अरे जा जाना नहीं जरूरत अभी भाई, ये बेसिक बना रहा वीडियो तो भाई समझाने तो दे पहले। हाय सो हाय गाइस, आई एम अक्षमोहन सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट ऑल माय वीडियोस विल बी सॉर्ट ऑफ फनी वीडियोस, यू नो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फोटोग्राफी बेसिक्स वेरी वेरी इजीली, वेरी इजीली। सो या it will be fun. This video is going to be totally basic, so it is not about DSLR, not about any camera. It is simply about what I think before clicking a picture or what you should think before clicking a picture. So this is second video for my channel Shut the Click Up. So basic sa concept mind mein rakhna hai picture click karne se pehle, कि आप जब फोटो क्लिक कर रहे हो तो उससे पहले सोचो, जस्ट इमेजिन व्हाट यू गोइंग टू क्लिक। सेकंड थिंग इज थिंक अबाउट द आउटपुट बिफोर क्लिकिंग अ पिक्चर, व्हाट यू वांट, व्हाट यू इमेजिन इन योर माइंड अबाउट द पिक्चर। सो बेसिकली जो आपका आउटपुट आना है उसको पहले सोच के रखो कि अगर मैंने ये आउटपुट देना है तो इससे पहले मेरे को पिक्चर कैसे क्लिक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलो माइंड में पहले पिक्चर क्लिक करने से पहले। सो द थर्ड थिंग इज the elements in the picture. So आपको ये mind में रखना है before clicking a picture कि जो elements आपकी image में दिख रहे हैं इस time पर उसको आपने include करना है या नहीं करना। तो आप अपने camera का angle change कर सकते हैं, उसको zoom कर सकते हैं, zoom out कर सकते हैं, तो उससे perspective में difference आ जाता है। तो ये सब आप पे depend करता है कि आप उस element को include करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो elements कुछ भी हो सकते हैं, background हो सकता है, background का color हो सकता है, पर्सन हो सकता है जो उसमें दिख रहा है, आसपास के बैकग्राउंड में पर्सन हो सकते हैं, आसपास वाले हो सकते हैं, कुछ भी है। अगर आपको एक इमेज को अच्छा बनाना है तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट को आप अपनी पिक्चर में लेते हो और किसको वहाँ से हटा देते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको इमेजिन करना है, यू हैव टू इमेजिन योर पिक्चर, जो आपको क्लिक करनी है उसको इमेजिन करो माइंड के अंदर, लेके आओ कि माइंड में कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। पहले बेसिकली अपने माइंड में कॉन्सेप्ट लेके रखो कि मेरे को ये इमेज चाहिए, ये कैसे आ सकती है। ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपको अपना आउटपुट मिल जाएगा। तो इट्स नॉट अ बिग प्रोसेस, आप तीन चार पिक्चर्स, कई बार आपको पहली पिक्चर में आपका आउटपुट मिल जाएगा जो आपको चाहिए होगा। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है माइंड में, ये नहीं कि आपने कैमरा पकड़ा क्लिक किया और हो गया पिक्चर। तो थोड़ा सोचना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है और फिर क्लिक करना है। द वर्ड इमेज डजंट कम फ्रॉम द कैमरा और द इमेज शार्पनेस और द इमेज क्वालिटी, द वर्ड इमेज कम्स फ्रॉम द वर्ड इमेजिनेशन। So it's totally depend on your imagination, on your concept, on your perspective. Guys, thank you for watching the video. काफ़ी basic video थी, एकदम starting थी आपको बताने के लिए। मैं धीरे धीरे start करूँगा। अब next मेरी video होगी about camera basic, DSLR, understanding your DSLR. So it will include the about the camera body, the lenses, the battery, the memory card, the sensor, the camera. सो नेक्स्ट वीडियो में थोड़े उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर आगे उसके जो कैमरा के एलिमेंट्स होते हैं बॉडी और इसको हर एक वीडियो में सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि कैमरा सेटिंग्स को कैसे करना है। यूट्यूब चैनल ओके।